बीती रात महावीर छपरा महाडिया स्थित एक ढाबा पर जहर खुरानों ने 5 ट्रक ड्राइवरों को अपना शिकार बना लिया और उनके पास से रुपए लेके चंपत हो गए। जिला अस्पताल में जहर खुरानी का शिकार मंजीत सिंह ने बताया कि गोरखपुर से सोनभद्रा गिट्टी लेने के लिए निकले थे। बेलीपार थाना क्षेत्र के पास स्थित एक ढाबे पर रात में खाना खाने के लिए रुकने के बाद ड्राइवर और खलासी दाल रोटी और सब्जी खाए। खाना खाने के बाद हाथ मुंह धुले, कुछ ही देर में उन्हें चक्कर आने लगा और हम बेसुध हो गए। कुछ ड्राइवर और खलासी गाड़ी में बैठ गए और दो ड्राइवर गाड़ी लेकर थोड़ी ही दूर बैठे थे कि अचानक चक्कर आने से गाड़ी साइड में लगाकर रुक गए। थोड़ी देर में वो बेहोश हो गए और जब होश आया तो अस्पताल में मिले। गाड़ियों में जीपीएस सिस्टम लगने से गाड़ी मालिकों को गाड़ी का लोकेशन मिला और गाड़ी मालिक मौके पर पहुंचे। घटना की जानकारी होते ही तुरंत 100 नंबर पर फोन किया और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और सभी ड्राइवरों और खलासियों का इलाज के लिए अस्पताल ले गए। ट्रक ड्राइवर और खलासियों को कौड़ीराम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जहां जहर खुरानी ड्राइवर और खलासियों का इलाज चल रहा है। जहर खुरानी का शिकार ड्राइवरों से सीओ बेलीपार ने घटना की पूरी जानकारी ली। ड्राइवरों ने सीओ बेलीपार को घटना की जानकारी दी और अपने कटे हुए कपड़ों को दिखाया। जहर खुरानी का शिकार हुए ड्राइवर मंजीत सिंह, रोहित सिंह, संदीप यादव, कमलेश यादव, अनिल सिंह और खलासी जितेंद्र कुमार, अशोक कुमार सहित दो अन्य जहर खुरानी के शिकार हुए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए जहर खुरानी का शिकार हुए ड्राइवरों ने कहा, इन लोगों के साथ का कोई नहीं आया है गार्जियन टाइप में? पापा थे मेरे। Thank you.
हम लोग ड्राइवर आदमी हैं, ठीक। हम लोग यहाँ शाम से तेल भरा के गए होटल पे, आदमी नहाया। हाँ, बेलीपार होटल है, बाबू साहब के नाम से आदमी जानता है उनको, ठीक। वहाँ गया आदमी, नहाया धोया, फिर से गाड़ी को भी धोया। हाँ, उसके बाद से आदमी वहाँ खाना खाया। हम लोग को जाने से पहले वहाँ चार आदमी पहले से मौजूद थे। तो भाई हर होटल पे आदमी रहते हैं, तो हम लोग को क्या जानकारी थी कि नहीं, हाँ ये लोग हमारे साथ घात करने वाले हैं, ठीक। उसके बाद से हम लोगों ने खाना वाना खाया, खाना खा के उनको पैसा देने के बाद मैंने बहुत ज़्यादा ही मैंने वो हो गया, शरीर मैंने कुछ काम लायक नहीं रह गई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि नहीं हम लोग क्या क्या करें क्या ना करें। तो कैसो करके हमने अपनी गाड़ी निकाली वहाँ से, गाड़ी निकाल कर कैसो उन्हें ले जा रहे थे, तो कौड़ी राम में लगा कि मैंने हमारी और दूसरे गाड़ी की टकरार हो जाएगी, बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो जाता। तो फिर हमने आगे लगा के वहीं पे बायां लगा के खड़ी कर दी, फिर अपने छोटे भाई को कैसो करके वहाँ बुलाए, उसके बाद से खड़ी कर दिए। तो हम लोगों की मैंने साथ रात में पूरा जेब कट गया, हमारा नुकसान कम से कम 50,000 रुपये का हुआ है। पांच गाड़ियाँ थी, 2.5 लाख रुपया सर जी, कम से कम 2.5 लाख रुपया हम लोगों का जो 2,000-3,000 रुपया मालिक लोग देते हैं उसको छोड़ के हम लोगों को गाड़ी पर रोकड़ मिली थी 2.5 लाख रुपया गिट्टी लादने के लिए। ड्राइवर थे पांच, खलासी थे, खलासी एक गाड़ी पर नहीं थे, बाकी पे थे, तो मान के चलिए वही खलासी भी चार थे, एक ही गाड़ी पे खलासी नहीं था। बिल्कुल 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 सर जी, थाने पर तहरीर दिया गया है। सुबह में जब ऑटोमेटिक जब नींद खुली, नहीं होता है कि नहीं, हाँ हो जाता है, नींद खुली तो हमने देखा कि भाई गाड़ी यहीं पे है, अभी सब लोगों की हालत है, पर्स पे पर्स अपने जेब पे हाथ रखा तो देखे पर्स गायब, और बहुत गंभीर अवस्था है। जब नीचे उतरे तो लगा कि गिर जाएंगे, जब नीचे आदमी उतरा तो लगा कि गिर जाएंगे। तो फिर होटल पे हमारे भाई लोग की जो गाड़ी होटल पे थी, हमारे भाई जाकर साहब जाकर कहे होटल वाले से कि हम 100 नंबर को बुलाएंगे, थाने को बुलाएंगे, तो भाई होटल वाले भाई कह रहे हैं कि तुम लोग बुलाओगे लेकिन परेशान हो जाओगे, तुम ही लोग परेशान हो जाओगे, तो इसका क्या मतलब है। हमको तो शक सर जी, देखिए हम जब से गोरखपुर में हैं तब से उस होटल पे जाते हैं, जब समय मिलता है तब जाते हैं, तब खाते हैं तब पीते हैं, तब से वहाँ भी वाले सो भी जाते हैं हम लोग, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ आज तक, लेकिन आज दिक्कत हुआ है। तो हो सकता है, हम होटल मालिक को नहीं कह रहे हैं, हो सकता है कि उनका कोई कर्मचारी मिला हो। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? गोरखपुर से जा रहे थे हम वहाँ पे, गोरखपुर से जा रहे थे 54 सोनभद्र। हेलो, कमलेश यादव। कमलेश क्या हुआ, कहाँ जा रहे थे? हम लोग जा रहे थे डेयरी बालू भरने के लिए। कहाँ से? गोरखपुर से। अच्छा। बीच में रुक गए खाना खाने के लिए, लेट हो गया था, इस वजह से खाना खा ले यहाँ पे। खाना खाने के लिए गए, बैठे खाना खाने के लिए, दो चार लड़के उड़के लोग वहाँ बैठा था उसका, होटल वाला का। कहाँ पे रुके थे आप लोग? हम लोग रुके थे कौड़ी राम से पहले। कितने बजे? 9-10 बजे करीब में हो रहा था टाइम। रात में? हाँ रात में। तो वही सादा खाना हम लोग खाया। क्या खाए थे? वही रोटी और सब्जी और दाल और चावल, यही सब खाया था। खाना तो ठीक खिलाया, लेकिन पता नहीं क्या क्या उसमें मिला दिया, खाने के बाद जितने खाने के लगे वैसे वैसे हम लोग दिमाग कुछ वो होने लगा। तो फिर क्या हुआ? तो हम लोग पैसे उसे देकर कहे भैया आप चलते हैं हम लोग गाड़ी में। गाड़ी में पहुँचते हम लोग का पूरा हाथ पाँव ऐसे उसे होने लगा,
तो हम लोग सो ही गया, गाड़ी में ही सो गया, गाड़ी में सो ही गया हम लोग। कितने लोग थे? 9 आदमी लोग हैं हम लोग, हैं 9 आदमी लोगों की यही हालत हो गया। हाँ, तो सुबह रात में मालिक कितनी फ़ोन किए कि कोई पता नहीं, तब होश कब आया? मालिक आया खुद ही बोला, उठाया के मालिक, जितने गाड़ी वाले हैं सब आए खुद ही गाड़ी के पास, उसके बाद कार लेकर आए वो लोग खुद ही अपने कार में, सब ड्राइवर लोगों के सब बैठा उठा के ले आके लेकर भागे इधर उधर हॉस्पिटल में। तो नुकसान क्या हुआ आपको? नुकसान हुआ यही, किसी के पास 50,000, किसी के पास 70,000, किसी के पास 80,000, मालिक मान लीजिए 45,000 50,000 रोकड़ा देता है माल खरीद के ले आने के लिए बालू। मान लीजिए ड्राइवर, किसी किसी ड्राइवर ने 10-10 दिन, 1-1 महीना घर नहीं जाता है। कुल कितना पैसा लूट हुआ होगा? तो ऐसे ऐसे पैसा जो ड्राइवर अपने जेब में जो लो रखा होगा सब पैसे चले गया, कुछ बचा नहीं, किसी के मोबाइल भी तक नहीं बचा, किसी के सब किसी पे। अब सर वहाँ पर तो बहुत लड़के थे, किस पे शक करेंगे हम लोग? वहाँ लड़के तो वहाँ ज़्यादा थे, किसके शक करेंगे, सब लोग होटल से मिले जुले हैं। होटल का नाम क्या है? होटल का नाम इतना ध्यान नहीं सर। कितने दिन से खाना खा रहे थे? हम एक दो बार खाना खाए इसमें।